सोयाबीन की कीमतों में एक हफ्ते के अंदर वायदा में कभी 6% का निचला सर्किट तो कभी 5% का ऊपरी सर्किट लगता नजर आया है। एक हफ्ते के अंदर ही सोयाबीन नीचे में 6000 से लेकर ऊपर में 6700 तक कारोबार कर चुकी है। लगभग 700 पॉइंट का गैप ऊपरी और निचले स्तर में देखने को मिला है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोयाबीन में आगे कैसा माहौल रहने वाला है। एक हफ्ते में हमने सोयाबीन में गिरावट से तेजी बनती देखी है। इस एक हफ्ते में सोयाबीन में काफी फैसले भी देखने को मिले जिससे सोयाबीन की कीमतों पर प्रभाव पड़ता दिखाई दिया। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है जिससे व्यापारियों में थोड़ा डर का माहौल है। और दूसरा, जब भी कोई महामारी होती है तब तब व्यापारी सतर्क हो जाते हैं क्योंकि लॉकडाउन लगने के पूरे पूरे आसार रहते हैं। लॉकडाउन में कोई काम धंधा नहीं चलता जिससे सब अपने पास पूंजी इकट्ठा करने की सोचते हैं और इसी का असर हमने सोयाबीन की कीमतों पर पड़ते देखा। ओमिक्रॉन के भारत में दस्तक देने की खबर आते ही कमोडिटी बाजार लाल हो गया था। ओमिक्रॉन के आने से एक्सपोर्ट व्यापार में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चीन की तरफ से सोयाबीन की डिमांड कम हुई है। आपको बता दें कि चीन ब्राजील के पोर्ट से सोयाबीन की खरीद कर रहा है। सोयाबीन वायदा में 5% एडिशनल मार्जिन बढ़ने से भी इसकी कीमतों पर दबाव बना है और इन सभी कारणों के चलते सोयाबीन की कीमतों पर हमने एक दबाव बनते देखा था। लेकिन किसान अपनी सोयाबीन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्टॉक भी कर रहे हैं जिससे हमने सोयाबीन में फिर से तेजी बनते भी देखी है। लेकिन अब ओमिक्रॉन आ गया है, आगे लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा किसी को नहीं पता। ऐसे में जानकारों का यही कहना है कि सोयाबीन किसान ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पहले बाजार को अच्छे से देख लें और फिर अपना कोई निर्णय लें। जानकारों के अनुसार सोयाबीन में आगे तेजी का ही रुझान है। कीमतों में अभी और तेजी बन सकती है क्योंकि प्लांटों के पास सोयाबीन का स्टॉक नहीं है, मांग अच्छी बनी हुई है और भारत में तिलहन की इतनी पैदावार नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।